नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में आप देखेंगे टुडे शिक्षा मित्र लेटेस्ट न्यूज, 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट न्यूज सुप्रीम कोर्ट जो है, और 23 मई 2020 को श्री जितेंद्र शाही द्वारा जो ऑडियो वायरल किया गया है उसको सुनाएंगे और उस पर विचार करेंगे। और एक साथी के माध्यम से जो रिजवान जी को कुछ कविता की लाइनें समर्पित की गई हैं उनके लिए हम सुनवाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। तो सर्वप्रथम हम सुनते हैं कि एक साथी के माध्यम से जो कविता की लाइनें सुनाई गई हैं रिजवान जी को, वो उसके बाद हम सुनवाएंगे आपके लिए जितेंद्र शाह जी का ऑडियो। इन हवाओं को मोड़ने का मेरा ख्वाब नहीं, मैं तो तूफान रोकने का हुनर रखता हूँ। चंद लोगों को लुभा लूं मेरी फितरत में नहीं, मैं खरीदारी में पूरा शहर रखता हूँ। अब सुनते हैं श्रीमान जितेंद्र शाही जी का ऑडियो जो आज इन्होंने पोस्ट किया है, देखते हैं क्या कहा है, सुनिए आप भी। प्रदेश के समस्त शिक्षा भाइयों बहनों, मैं जितेंद्र शाही 23/5/2020 का ऑडियो आपके बीच में प्रेषित कर रहा हूं। उम्मीद के साथ कह सकता हूं आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे तथा विद्यालय में पढ़ने वाले लगभग 1.80 करोड़ बच्चों को भी सुरक्षित संरक्षित करा रहे होंगे। सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से बहुत तेज कुछ खबरें वायरल किया जा रहा है, और इतना तेजी से वायरल हो रहा है, कुछ विधि विशेषज्ञ और मर्मज्ञ ज्ञान देने वाले लोगों से, जिससे लग रहा है कि 1,37,000 शिक्षा मित्रों का कोर्ट अपडेट, 1,24,000 शिक्षा मित्रों का कोर्ट अपडेट, टेट पास शिक्षा मित्र के डबल बेंच के कोर्ट अपडेट और सारे अपडेट को मिला दिया जाए तो परिणाम क्या रहा, शून्य। इस नाते सभी शिक्षा मित्र भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, इन विधि विशेषज्ञों से दूर हो जाओ, विशेषकर नॉन टेट वाले। जो टेट पास शिक्षा मित्र भाई बहन है वो लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, और सतत प्रयास करें, प्रयास ही सफलता की कुंजी होगी। लेकिन कोर्ट अपडेट ग्रुपों में शेयर न करें, ट्विटर फेसबुक पर शेयर न करें, वो शेयर करने से समाज में विकृतियां फैलती है और विकृतियां इतनी फैल जाती है जिससे आने वाला परिणाम क्या होता है, कैसे होता है, आप जान भी गए होंगे, इशारा ही बहुत काफी। उन लोगों से जो टेट पास शिक्षा मित्र भाई है जो मुकदमा लड़ रहे हैं, अच्छे तरह से लड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिक्षा मित्रों को टारगेट में लिया गया है उसका मात्र एक कारण BEd BTC वाले लोग हैं, और BEd BTC जो 40-45 में पास हैं कटाप में, वो पीछे से लगे हैं, आप ही के साथ हैं, लेकिन टारगेट केवल शिक्षा मित्रों को बनाया गया है। उसका एकमात्र कारण है कि शिक्षा मित्र सरकार और सरकार और शिक्षा मित्र से खाई बनी रहे, वो खाई पड़ जाएगी तो हो सकता है शिक्षा मित्रों के भविष्य उज्जवल हो जाए। मैं आपके बीच में इस नाते आया हूं कि कुछ लोग हिमाचल प्रदेश के शासन आदेश को लेकर चर्चा में आए हैं, कुछ लोग मार्च 2019 को लेकर सरगर्मियां तेज किए हैं कि मार्च 2019 से निकलवाने का बात कर रहे हैं, कुछ लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद निकलवाने की बात कर रहे हैं। एक वकील साहब है, वो शिक्षा मित्र की भविष्य की बर्बादी भी अपने ऑडियो में दे दिए हैं। तो मैं इन सारे लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं,
आपके भविष्य की मैं गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन शिक्षा मित्र की भविष्य की गारंटी लेता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार, सरकारें सब आती हैं, कैसे आती है, किस तरह आती है, कि कौन सी कार्यशैली अच्छा है, कौन सी कार्यशैली अच्छी है, कौन सी कार्यशैली कितना जल्दी परिणत होती है, कौन सी कार्यशैली कितने देरी लगती है, वो कार्य करने की अलग अलग तरीका होता है। कभी भी उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों की भविष्य बर्बादी की बात नहीं किया, जबकि शिक्षा मित्र के कुछ विधि विशेषज्ञ, कुछ मर्मज्ञ ज्ञाता लोग बर्बादी का भविष्यवाणी जरूर करते गए। यदि उन लोगों की चली होती तो शायद कब के घर पे बैठा दिए होते। कभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहा गया है क्या कि आपको घर बैठा दिया जाए? कभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह भी कहा गया क्या कि आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी? कभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह भी कहा गया कि आपको निकाल दिया जाएगा? कभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह भी कहा गया कि मानदेय नहीं दिया जाएगा? लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को टारगेट जरूर बनाया गया। मैं आज भी कहना चाहता हूं, नाइन्थ मेरे भाई, आप अपने आप पर सोचो, समझो, परखो और चिंतन मनन करो। इन विधि विशेषज्ञों से दूरी बनाकर, इन विधि विशेषज्ञों की बात जब तक सुनोगे तब तक बर्बादी होती रहेगी। एडवोकेट साहब जो भाषण दिए हैं, ऑडियो अपना दिए हैं, वो जहां जहां प्रचार प्रसार में गए, एक संगठन को लेकर जैसे प्रचार प्रसार किए, चाहे 137,000 में, चाहे 124,000 में, चाहे टेट पास शिक्षा मित्रों में रीट किए, मैं नहीं कहना चाहता है। 137,000 124,000 में परिणाम आ चुका, आप जानते हैं। टेट पास शिक्षा मित्र जो पदाधिकारी लड़ रहे हैं वो लड़े हैं, लेकिन उन एडवोकेट महोदय से दूरी बनाकर, जिसमें वो हाथ डालते हैं उसमें विफलता मिलती है, उनसे कबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा मित्र की भविष्यवाणी भविष्य बर्बादी का न करें, वो अपने भविष्य की बर्बादी की बात करें। शिक्षा मित्र का भविष्य आबाद होगा, कैसे होगा, उसकी शासनादेश जारी हो चुकी है, और जो भी कुछ शासनादेश है उसी में निहित है, और आने वाला सारा शासनादेश आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो शासनादेश जारी हुआ था उसमें शिक्षा मित्र का भविष्य उज्जवल था कि नहीं था, बखूबी पढ़ लेना। लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो आदेश हुआ था वो सरकार से सामंजस्य शिक्षा मित्र से था, और शिक्षा मित्र का सामंजस्य सरकार से था, आप जानते भी हैं। सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप अपने कार्यशैली पर विश्वास करो, आप अपने कारवां को आगे बढ़ाओ, चाहे सड़क से सदन तक हो, चाहे सामंजस्य का संघर्ष हो। आपकी पहचान बनी है तो आपकी कार्यशैली पे बनी है, आपकी पहचान बनी तो आपकी संघर्षों की बदौलत बनी है, उस पे ध्यान केंद्रित करो। ये विधि विशेषज्ञों से दूरी बनाते हुए पुनः एक बार कहना चाहता हूं कि इन विधि विशेषज्ञों की जहां भी कोई पोस्ट आवे वहीं उस पोस्ट को काउंटर करो, ग्रुपों में शेयर न करो। ये आपकी उपलब्धि होगी, आपकी भविष्य की उज्ज्वलता होगा। जा देना कुछ करते हुए एक महारथी नेता आए हैं, नूरा कुश्ती ग्रुपों में चली, व्हाट्सएप पे चली, कुछ दिन टीवी पे चली। एक दिन कहा गया कि मुकदमा किया गया, दूसरे दिन कहा गया मुकदमा वापस लिया गया। समाज में कितनी विकृतियां फैली उससे आप बखूबी जानते होंगे, केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। और व्यक्तिगत स्वार्थ, उनकी सिद्धि हो या न हो, लेकिन शिक्षा मित्र को उसमें घसीटने का कार्य न करें, विशेषकर नॉन टेट शिक्षा मित्रों का। शिक्षा मित्र की बर्बादी, शिक्षा मित्र की खाई खोदने का काम न करें, और खाई खोदने का यदि कार्य करेंगे तो यह अच्छी बात नहीं। शिक्षा मित्र अब समझ चुका है, जब कोई भी सफलता मिलती है तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुर्ता टाइट करके आगे कूदते रहते हैं आप लोग, और जब विफलता मिलती है तो जितेंद्र शाही को टारगेट बना के पतली गली से घुस जाते हैं। मैं आज सभी शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, आप सावधान रहें, सचेत रहें, आपका भविष्य उज्जवल होगा। 62 साल की उम्र तक सेवा करा के ही दम लूंगा, अब किस तरह करना है, कैसे करना है, यह घंटा मिनट दिन समय नहीं बताऊंगा,
लेकिन आने वाला समय आपको बताएगा कि 62 साल की उम्र तक आप सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी आदर समाजी शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन लेता। यदि इसमें कोई रोड़ा बने तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी, हमारे संगठन की नहीं होगी। इसी के साथ अपनी बारी को विराम देते हुए मैं आने वाले ईद पर ढेर सारी मुबारकबाद देते हुए अपनी बारी को विराम देता हूं।